नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। एक वक्त था जब चुनाव से पहले रैलियों का दौर लगता था, लेकिन अब आज के ज़माने में सियासत जो है अलग तरीके से होती है। दरअसल ये दौर जो है वो यात्राओं का दौर है। बिहार की सियासत में इस महीने यानी कि फरवरी में दो महत्वपूर्ण यात्राएं होने वाली हैं। एक लोजपा के नेशनल प्रेसिडेंट चिराग पासवान करने वाले हैं, तो दूसरी यात्रा तेजस्वी यादव आगामी 23 फरवरी से करने वाले हैं पटना के वेटनरी ग्राउंड से। इसकी शुरुआत होगी। ये तस्वीरें सबसे पहले आप देखिए, यही वो रथ है जो तेजस्वी यादव अपने साथ ले आएंगे और यात्रा पर निकलेंगे। सबसे पहले रथ के मजमून को देखिए, ये पूरी तरीके से हरे रंग की है, जो कि आरजेडी पार्टी का चुनावी चिन्ह जो है वो हरे रंग का है, वो देखिए। और सबसे पहले जो रथ है ये, उसके आगे लिखा हुआ है सबसे ऊपर, राष्ट्रीय जनता दल, नई सोच, नई बिहार, बेरोजगारी हटाओ यात्रा, युवा क्रांति रथ। इस रथ का नाम दिया गया है युवा क्रांति रथ। और आप साइड में भी आप देख सकते हैं कि रथ में कई तरह के स्लोगन्स लिखे हुए हैं। वो एक लिखा हुआ है कि आपके लिए आपके साथ, सिंचाई, कमाई, दवाई, पढ़ाई लिखाई, रोजगार, नौकरी, इन मुद्दों का जिक्र है। और बेरोजगारी हटाओ यात्रा, इस यात्रा का नाम दिया गया है। और जो इस यात्रा के जो फोटो हैं उसमें तेजस्वी यादव नज़र आ रहे हैं, लालू प्रसाद यादव नज़र आ रहे हैं, तेज प्रताप यादव भी नज़र आ रहे हैं। और एक और जो लाइन लिखा गया है, रोजगार, नौकरी, व्यवसाय, रोजी रोटी, अच्छी शिक्षा, हमारा अधिकार, कई तरह के नारे एक साथ इस रथ के चारों ओर लिखे गए हैं। और इस रथ के सबसे जो खास बात है कि इसमें बेरोजगारी हटाओ इस यात्रा का नाम रखा गया। आपको बता दें कि कर्पूरी जयंती के मौके पर ही तेजस्वी यादव ने ऐलान किया था कि वो फरवरी महीने में यात्रा पर निकलेंगे और ये बेरोजगारी हटाओ यात्रा होगी। और आगामी 23 फरवरी से तेजस्वी यादव पटना के वेटनरी ग्राउंड में इस यात्रा का आगाज करेंगे। उसके बाद बिहार भर में जाएंगे, उसके बाद पूरे बिहार में इस यात्रा के से जाएंगे और बेरोजगारी को हटाने को लेकर ये यात्रा है। कहीं ना कहीं सीएम नीतीश कुमार और पीएम मोदी के खिलाफ ये बिगुल फूंकने की तैयारी है। तो दूसरी तरफ चिराग पासवान भी 21 फरवरी से यात्रा पर निकलने वाले हैं। कुल मिला के कहें तो बिहार की सियासत फुल चुनावी मोड में आ चुकी है। लगातार यात्राओं का दौर शुरू हो रहा है। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।